अनुराग के ब्याह हम भी तय कर दहले बन। पुरुषोत्तम बाबू के बेटी सृष्टि के साथ है। बानी आप ये कौनो तुल्ला बा पुरुषोत्तम वकील अब विकराल जी के। एकदम सही कहनी आप, एकदम सही। अरे कौनो तुल्ला निखे उ दोनों में, एक गुंडा बदमाश और एक ईमानदार आदमी में कबो तुल्ला हो भी नहीं सकत। अरे हमके का करे के बा उनके ईमानदारी से, एगो के सजितवा ना सकेले ऐसन फक्करे घर में हम अपन अनुराग के ब्याह ना करब। हाँ कहा राजा भोज और कहा गंगू और आपन वर्चस्व और ताकत दिखाई, कौनो गुंडा बदमाश ही ना होला। खाली बात करे खातिर आयल रहनी और 10 लाख रुपया दे गेल बाड़े और वो अनुराग के बिना देख ले। दस लाख मतलब तू दोनों दहेज भी ले लू। दहेज लेबे कोनो पाप बका। अरे हम कोनो जबरदस्ती ना केले रहनी उनका साथ, वो खुद ही आयल रहे। अरे ई पूरा रकम नहीं खे, ई रिश्ता के शुरुआत के शगुन देने बाड़े। वाह श्रीमती जी वाह, बहुत बढ़िया। मतलब बेटा के बेचल भी तय कर लेनी आ। जी नहीं खे, लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी रहनी और हम स्वीकार कर लेनी। वो खुद ही आयल बाड़े और लाखन के दर्शन दे गेल बाड़े। लाखों दे के जाइल और लाखों में एक होखल, ये दोनों में बड़ा अंतर बा श्रीमती जी। जितना जल्दी समझब ना, बाकी के उम्र चैन से कटी। अरे घर के धन के लक्ष्मी ना चाहिए, एगो एगो संस्कारी बहु चाहिए। और जितना हम जाना तनी ना पुरुषोत्तम बाबू के, वो अपन बेटी के अच्छा संस्कार ही देले होके। अभी शादी तय ना भइल बा, खाली शादी के बात भइल बा, जे में सबके राय होई उहे कइल जाई। अरे माँ हम जौन भी कर रहल बानी ना, बहुत सोचला और समझला के बात ही कर रहल बानी और उहे करब भी। ये दलदल से बचे खातिर हम सारा जिंदगी भागत रहनी। वो दल दल में जीते जी ना तो हम घुसब ना केहू के घुसे दे। हम हाँ ये बात के दुख जरूर बामा कि ये हमारा अपन घर वाला सब ये पैसा की चमक के सामने कुछ दिखाइए ना देवेला। पैसा और ताकत कोनो खराब चीज बा का? रिश्ता सामने से चल के आयल रहे तो हम स्वीकार कर लेनी, एमे हर्ज है कहा। और ई जग जाहिर बात बा, लक्ष्मी रिश्ता के गांठ के मजबूत करेनी। इहे सरस्वती के जरूरत पड़ेला, जवन बुद्धि देवेले जिकरा से इंसान ही समझ पावेला श्रीमती जी के रिश्ता पैसा से ना जुड़ेला। अरे रिश्ता तो प्यार और संस्कार से मजबूत होखेला और उकरे में घर के भला होखेला। वो तो देखा था नहीं, हम देखा था नहीं कि ये घर के कितना भला हो गेल बा। अरे सब के बुद्धि धरल के धरल रह गेल हा। यह से हम कहा था नहीं, अनुराग के ब्याह ना रागिनी से ही होखी, उहे में ये घर के और सब के भला बा। हम तो आज तक ना देखने कि कोनो गुंडा से केहू के भला भइल होके। और इतना सुन ली, हम कोनो भी कीमत पे कोनो गुंडा के बेटी के साथे आपन अनुराग के ब्याह ना करा। अगर ब्याह होखी
तब पुरुषोत्तम बाबू के बेटी सृष्टि के साथ है, ना तो कहीं ना होगी। हम फक्कड़ के बेटी के साथ हम अपन अनुराग के ब्याह ना करब। आप भी कान खोल के सुन ली, अनुराग के ब्याह होगी तो सिर्फ विकराल के बेटी रागिनी के साथ, ना तो कहीं ना होगी। अनुराग भैया आ गए ले, अनुराग भैया आ गए ले, अनुराग भैया आ गए ले, अनुराग भैया आ गए ले। अनुराग भैया, अब शादी होगी बर्बादी। नारद लगावा ससुरा के निशाना पर, हम अभी अपन नया गन लेके आवा था। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल। रागिनी जी देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रागिनी जी हम माफी मांगता नहीं। चुप, रागिनी दीदी के सामने माफी मांगल दूसर गलती हो खेला। चल वहाँ जाके शांति से खड़ा हो जाए। ब्रजभान जी कल हमार बेटा पराग शगुन के सारा सामान लेके आपके घर पहुँच जाये, एक बार ही शगुन वाला शुभ काम हो जाए। अच्छा रख रहा बानी, नमस्कार। अरे बेटा जी ये बंदूक लेके कहाँ जा रहा बानी? बाबूजी आज सोचा था नहीं कि बंदूक के तनी सा टेस्टिंग कर ली। बंदूक के टेस्टिंग केकरो जान ली बुका? अरे कहे तो दिए के अपन बात लागे लू अपन हाके। हाँ बेटा जी बताई। बाबूजी दूठो काम बा, सोचनी दोनों इकट्ठे कर लेता नी, हमार निशाना के तनी सा टेस्टिंग भी हो जाई और ऊ विजेंदर ठेकेदार ओकरा ओकर सबक भी मिल जाई। अरे अरे रुका ता, ये कैसन खेलवा? कोनो दिन केहू के जान लियू? कुछ ना हो कि ऐसन फालतू में परेशान हो रहा बानी आप। परेशान ना होई तो का करी, कुछ दिन में ससुराल जाई, वहाँ ये सब ना चली। के कहे चार गुण सहुर के सीखे के, और ईबा जे दिन पर दिन नया रंग दिखा रहल बिया। ससुराल जाई तो कैसे जिम्मेदारी संभाली? जिम्मेदारी कैसन जिम्मेदारी भाई, वहाँ ससुराल में जिम्मेदारी निभावे ना जा रहल बिया, राज करे जा रहल बिया, रुपया देके लड़का खरीद ले बानी, कौनो हाथ जोड़ के रिश्ता ना जोड़े। शुरू हो गई दिवाली। का बात बा रागिनी, का बात बा, ये तो तू गजब निशाना लगौलू, लेकिन ये जो एक ठो मटका बचल बा ओकरा तू आंख मूंद के फोड़ सकेलू? फोड़ के दिखावा। आंख मूंद के का बात कर रहल बानी पराग भैया? ऐसा ही ठीक बा रागिनी जी, ऐसा ही चलाए। ईला विशु भाई तहार नया चमचमात गाड़ी, ठीक बा? ई तो बहुत अच्छा कार बा, थैंक यू भैया। ई आपके खातिर, लाई हाथ दी।
कैसे लागल? अच्छा बा बेटा, थैंक यू। अनुराग बेटवा, तू तो 2 दिन पहले ही आके अपनी सबके चौंका देला। दादी चौकावल तो हम आप सबके चाहत रहनी, लेकिन यहाँ आके हम खुदे चौक गई नहीं। हमके लागल माँ और पापा हमरा के अचानक से देख के खुश हुई है, लेकिन यहाँ तो फालतू की लड़ाई चलत रहे। इली चाचू, आपके खातिर। अनुराग बेटा, तो हर ब्याह के बाद हमनी खातिर फिजूल के बात नहीं है। जौन ब्याह से कोनो फायदा ही ना होखे, फिजूल के ही तो भइल। शादी ब्याह में फायदा ना देखल जाला, अरे तो बस अपन परिवार के संस्कार से एको नया सदस्य के जोड़े के विधि है भाई। एकरा में नफा नुकसान कहां से आ गए? बेटा वो पुरुषोत्तम बहु बाड़े ना, हमारे मित्र जी, उनकर बेटी सृष्टि से तो हर ब्याह के बाद चल रहा बा। देखले बानी लड़की के बहुते नेक और संस्कारी लड़की भी आ। सृष्टि उजौन हमरा साथे स्कूल में रहली। हाँ हाँ बेटा हुए, अरे अभी LLB के पढ़ाई कर रहल बिया, और ये लास्ट ईयर बाव कर। हाँ फिर ई घर में आके हम सबके कानून सिखाई उ मैडम। माँ कानूने सिखाई ना, तेकरा में गलत का बा? अरु जिकर लावे के आप बात कर रहल बनी, उस सीधा गोली मारे सिखाई। कहे की है सिखोले बड़े वो विकराल सिंह जिंदगी भर। हम कुछ न जाने ली, ई घर के बहु रागिनी ही बनी। ई मामला में तोहके भी कुछ कहे के बात कहला। माँ माँ देखी सच कहीं तो हम अभी अभी शादी के खातिर तैयार नहीं थी, और हम क्या ऐसा लागेला कि अगर शादी करके घर में बहु लावे के बाद तो कोनो शरीफ परिवार के लावल जाए ना, ना ही कोनो गुंडा के बेटी। और मिल गई हमरा के तो हर जवाब, आप सबके भी हमार जवाब बहुत जल्द मिल जाए। माँ माँ हबला, एको नई दशरथ कहानी। रागिनी अम्मा जी, अब आपन आबे जाए के टाइम ठीक करला, ये सब ज्यादे दिन तक टिके वाला नहीं खे। कहे का चाहता डू तू? तुहार बाबूजी तुहार ब्याह तय कर ले बाड़े, जल्दी तुहरा के ससुराल जाए के पड़ी। हमार बिया? हाँ बेटा जी, आपके बिया। बाबूजी, आप जोन बानी नहीं बिया के रट अब छोड़ दी। अब देखी आप इतना मुश्किल से लड़का ढूंढ के ले आवे नी, वो जैसे ही आपके रागिनी के राग देखेला लड़का खुद बैराग लेवे खातिर भाग खड़ा होवेला। बेटा जी, जे आपके सामने खड़ा ना हो सकल वो आपके लायक ही ना रहे, लेकिन ई वाला एकदम जबरदस्त बा। अच्छा हम्म, ऐसा का खास बात बा में? अरे इलाका के एकदम टॉप लड़का बा भाई, इम्पोर्टेड, 7 समुंदर पार के। 7 समुंदर पार? अनुराग नाम बा ओकर, लंदन में पढ़ाई कैले बा, आपके साथ ओकर जोड़ी एकदम हार्ड रही। फिर तो अंग्रेजी बहुत जबरदस्त बोलत होई। अंग्रेजी? अरे पूरा के पूरा अंग्रेजे बा। ए जी, वो सब कब आ रहल बाड़े हमार रागिनी के देखे खातिर? ला फिर आप माथा लगा देनी ना, का है कौनो खराबी बा हमार बेटी में जो लोग देखे आई है? सीधा बारात आई दरवाजा पे, वही के तैयारी करी। अरे तू कहाँ चल देलू? अरे अम्मा, शादी होके चाहे कुछ भी होके हमारा आवे जाए के टाइम ना ऐसे ही रही। हम क्या ऐसा लागेला कि अगर शादी करके घर में बहु लावे के बा तो कोनो शरीफ परिवार के लावल जाए ना, ना कि कोनो गुंडा के बेटी।
माँ माँ हमके आपसे कुछ बात करे के बा माँ आप जाना था नहीं वहां लंदन में कोनो माँ बाप अपन बच्चा लोग के शादी ना तय करे ले एक उम्र के बाद बच्चा लोग खुद अपन पसंद माँ बाप के बतावे ले और शादी कर लेवे ले बल्कि लंदन में ही कहे अब तक यहां भी ऐसा हो खेला लेकिन हम हमेशा से चाहत रहनी कि हमार शादी हमार माँ के पसंद के लड़की से होके बचपन से ही हम अपन शादी के अरमान आपके आंख में दिखले बानी माँ सच मानी हमारे ऐसा कोनो पसंद नहीं है लेकिन हम इतना जाना तानी कि ई घर में एगो ऐसन लड़की आए जे आपके इज्जत कर सके माँ हमनी के ई घर के जोड़ के रख सके हमनी के संस्कार के समझे और जोनो लड़की के बात आप करा तानी ना ओ में ऐसन कुछो नहीं खे हमके पूरा विश्वास बा कि सृष्टि के अनुराग की फोटो जरूर पसंद आई अरे माँ खुश रहा माता माँ वो पुरुषोत्तम भाऊ बाड़े ना उनकर बेटा सुमेर आज अपना अनुराग खातिर शगुन लेके आ रहल बा ये तो बहुत अच्छा बात बा भगवान चाहले तो सब कुछ राजी खुशी हो जाई हाँ माँ बस एक बारी ब्याह अच्छा से निपट जाए ना मन के सारा चिंता दूर हो जाए हो जाए बेटा हो जाए
धक्कड़ वकील के बेटा के भी आज है आवे के रहे। ऊपर से पराग बाबू भी शगुन लेके आई है। अगर दोनों मिल जाई तब बंटा धार हो जाये। नाना हमरा के कुछ तो करे के ही पड़ी। विशु, 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 विशु। Come on, विशु, come on, come on, come on. विशु, विशु, जोर लगा के। विशु, come on, विशु, come on. अरे हाथ पीछे रख हाथ। विशु, very good. Come on, विशु। चलो जोर से, और 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 ताकत लगावा विशु भैया। भैया, भैया हमरा तो लगे आप हार ही जाएं। ऐसे कैसे हार जाए? हम रोज चार गिलास दूध पिए ली। अरे तो कल से छह पी ली है। चल दम लगा। भैया जोर से ताकत लगाई। विशु, come on. विशु, विशु, आप जोर से ताकत लगाई। विशु, 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 विशु। ये। क्या बात बात, जीत गई हमारे भाई। मुबारक, बहुत बढ़िया। देखला जब तक हमरा साथ काकी बाड़ी ना तब तक हमके क्यों ना हरा सकेला। हम चाहे रही या ना रही तोहरा के कभू केहू ना हरा सकेला। देखनी विश्व भैया जीत गए नी ना। अरे भौजी हमके बोला ले ले होती। उ पुरुषोत्तम के लड़का भाड़ा सुमेर उ शगुन लेके आ रहल बा। का जी हाँ, वो भी आपके भैया के आमंत्रण पर। अरे भैया ते गजबे करेलन। अरे भगवान काहे मजाक करत आनी हमनी के साथे। भौजी हम बताई, ये विकराल बाबू के लड़का पराग और ये सुमेर अगर दोनों साथ में आगे ले ना एगो अलगे बखेड़ा खड़ा हो जाए। बताओ तनी हम। अब बखेड़ा खड़ा लिखले होवे तो हम का कर सकेली। वैसे एगो बात बताई भौजी, ये पराग यहाँ आए वाला बा, ये बात भैया के पता बा का? अरे उनका पता होत वो का आवे देत। सब चिंता मत करी, बात के संभाले की पूरा कोशिश करब। आगे जो होवे के हुई वो तो होवे करी। बस बेटा ए रोका बस बस बस, शाबाश शाबाश। एक मिनट, पापा ये मिठाई की दुकान पे का करल जाए? बिटिया मिठाई खरीदब। मिठाई काहे पापा? तोहरा ससुराल में जन भेजे के बाद तोहर शगुन खातिर आवा पसंद कर जा। आवा पापा, पापा पर्स दी। का भेल बेटा? अरे पर्स दी ना। का भेल का? अरे थैंक यू, बाय। बेटा ये मूर्ति का है खातिर? पापा आप भले ही मिठाई थोड़ा कम भेज दिया लेकिन माँ सरस्वती की ये प्रतिमा जरूर भेज दिया। भेज दे बेटा, जरूर भेजा। और मिठाई भी कम ना भेजा। चलिए अब आओ। अरे ताजा इमरती मिली का? जी हाँ। 2 किलो दे दा। अरे पटक ससुरा के, धत तेरी की। अरे पटक ना ये। अरे पराग भैया देखी का पटक ले बाओ करा के। अरे और जोर से मार ये। अरे का भाईल बाबूजी करिए ले का? करियाए होते तो ठीक रहे, तो हर शादी के शगुन लेके हमरा भेज रहल बड़े। बस उहे खराब लग रहल बा। खराब? खराब का है लगता? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही पति चाहत रहनी अनुराग बाबू जैसन। हमरा के कौनो समस्या नहीं खे। हमके पता बा
तोहरा तो कोनो परेशानी नहीं की, लेकिन हमके बा, हमके परेशानी बा, कल के तोहर शादी हो जाई, फिर तू चल जाइबू। धत तेरी की, ई बात से परेशान बानी आप। पराग भैया, हम ई सोच रहल बानी कि आप के ना हमरा साथ ही ले जाए। अरे शादी कर रता नहीं, लेकिन हमार कब्जा जेबाना वो दोनों तरफ बराबर बनल रही। अरे हमार उनकरा के लेट मत करवाई, और हाँ फोटो लेते आइए। पराग जी बाबूजी, अरे लेके आई। बाबूजी, लक्ष्मी मैया के मूर्ति काहे मंगवेले बानी? बेटा जी, आपके ससुराल भेजे खातिर। ये लक्ष्मी मैया के मूर्ति आप रागिनी की ससुराल भेजब? बिल्कुल भेजब। अरे हम कह के आयल रहनी वहाँ पे कि हमार बिटिया हमरा खातिर लक्ष्मी बिया, तभी माई के मूर्ति वहाँ जाए के ना चाहिए। ऐसन बा, ये सब लेके आप निकली ना तो लेट हो जाए, समय पे सगुन के सामान पहुंच जाए के चाहिए। जी बाबूजी। माई के मूर्ति जरा बढ़िया से पैक करिया। सुरेखा जी, इमा सरस्वती के मूर्ति अच्छा से बांध के पैक कर दी, हमार बेटी के खास आग्रह पर भेजे के बा। और अनुराग जी, आप ते जिला के नाम बहुत आगे बढ़ाई नी, अब आपके कारण हम हर परिवार के भी इज्जत बढ़ जाए। सुमेर बिटवा, अनुराग से बात कर लेला, देख लेला, आप तनिक बैठा था तनी। बैठा दादी, पहले ये सब तो स्वीकार करी। एक हर खाचर लावा भाई। पापा भेजवेलन है, बोलन है कि शगुन के बिठाई से शुभकार शुरू कर जाला, तब बस हम आगे नहीं, बाकी के बाद बाबूजी खुदे करिहन। ठीक बा। बाकी के बाद का बात कर रिहन तुहार बाबूजी? ब्रिजभान, ओ अपन अनुराग और एकर बहन सृष्टि के ब्याह के बारे में। ओ ब्याह के बाद आगे बढ़ल ना, यही खातिर तब ये शगुन भिजवा रहल बा। देखी, ये सब तो ठीक हा, इस सब पर विचार करे के खातिर हमरा के तनी समय चाहिए। अनुराग अभी अभी तो आयल हा, हमार ठीक से बात भी ना भइल है ओकरा से, इतना जल्दी सब कुछ तय ना हो सकेला। आप बिल्कुल सही कहतनी, वो का बना शादी ब्याह के मामला बा, समय तो लगबे करी, और वैसे भी इस हफ्ता अभी खाली शुरुआत बा, मतलब हमरा और से बात आ गेल बा, बाकी आप लोग सब विचार करी। दिव्या, जा काकी से कह सुमेर खातिर कुछ चाय नाश्ता लेके आवे। जी, लेके आवे जल्दी से। हाँ फक्कर सबके चाय भी पिलावे के पड़ी। अरे जल्दी जा, कहीं पराग बाबू ना आ जाए। चाय नाश्ता की जरूरत नहीं के, हमरा तो सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए, बाकी अब आप लोग आए हमरा के यहाँ चाय नाश्ता खातिर। अच्छा तब हम चलते हैं। प्रणाम दादी जी, आशीर्वाद दी। खुश रहा। अरे विशु संभाल के, अरे पापा इमे लड्डू बका। हाँ बेटा, इस सब डब्बा में लड्डू भरल बा, अरे जी भर के खा लिया, लेकिन पहले पूरा गांव में बांटे के पड़े ना। इतना सारा हम अकेले ना बांट पाई, आपके और भैया के साथ चले के पड़ी। रे हाँ भाई, हम भी चलब और अनुराग भी चलिए। एगो लड्डू खा ली? हाँ हाँ खा ला। हम अनुराग भैया के भी खिलाए, हम आधा भैया के भी खिलाए। हमार विशु भाई के पूरा लड्डू खाए पसंद, खा अच्छे से खा। अनुराग बेटा, बस अभी इतना दिन के बाद तू लौटल बाड़ा, अगर गांव वालों से मिलबा तो उ सबके भी अच्छा लगे, तो चल जाए लड्डू बांटे। अनुराग उठावा,
जी हम आगे आगे चलो, आप पीछे पीछे आए। आराम से भाई, तू आगे आगे, हम पीछे पीछे। हम पूजा में बैठे जा रहा हलबानी। वो कहा भगवान भी हमारे साथ बाड़े, अभी तक गई बाड़े, इनका आबे से पहले पराग बाबू के भी निपटावे के पड़ी। अरे सृष्टि बेटा, तो यहाँ पर बाड़ू, हम तोहरा के तोहर कमरा में ढूंढत रहनी। अरे माँ, हम तो बस एक किताब ही। अरे वो सब छोड़ा, वो हमरा के एगो बात समझ में ना आ रहल बा की तू आपन ससुराल में लक्ष्मी मैया के भी मूरत भेज सकत रहे लू ना। बहु बेटी ते लक्ष्मी के रूप होखेनी। माँ, इस सब बात से का फर पड़ेला? वैसे भी माँ सरस्वती ज्ञान की देवी बानी, और ज्ञान से मिलल धन और सुख सदा स्थायी होखेला। ये देख रहल बानी देवर जी, रिश्ता के गांठ के मजबूती के लिए सरस्वती मैया के मूर्ति भेजले बाड़े। अगर आपके भैया के बात मान ली ना, तो हमरा के ई लोगन से ही सबर करे के पड़ी। देखा था नहीं भौजी, और सोचत भी बानी। अरे एकदम से बोलत बाड़न काइल, इस शादी ब्याह के मामला में क्यों सरस्वती माता के मूर्ति भेजला का? सही कहता नहीं आप, ये लोग जोन के लिए बाड़न ना, उसे पता चल रहल बा कि आगे इनकर का रंग देखे के मिली हमनी लोगन के। ये कंगला वकील के भेजे के रहे त लक्ष्मी मैया के मूर्ति भेज देते। रागिनी, रागिनी। हाँ माँ। रुका बेटा, बेटा कहाँ जाके तैयारी कर रहल बाड़ू? अरे छोट सा काम बा, लोग बड़ा बना दिए, बस वही निपटावे जाता नहीं। अब एक काम ना उनके करे के दा, तू आपन घर के तैयारी करा। का मतलब? वहाँ बैठा, मतलब हम समझाए। अम्मा आप, अरे अम्मा हम लेट हो रहल बानी। बैठा बैठा। अम्मा तू भी ना। का बा? आज तो हर शादी के शगुन गई हा, कुछ दिन में शादी भी हो जाई। ससुराल की नियम कायदा यहाँ से अलग हुई, तोहरा के वहाँ के माहौल में ढले के पड़ी, अनुराग बाबू के पसंद नापसंद समझे के पड़ी। अब से ओकर तैयारी शुरू कर दा। अम्मा हो तो ई भी सकेला कि उ हमार माहौल में ढल जाए, और तू तो जाने लू ही कि हम का चीज बनी, और हम तो ई सोचत रहनी कि हम वहाँ काहे जाए, हम लड़का के यहाँ बुला लेता नहीं ना, घर जमाई बना ले, सारा झंझटे खत्म। बिल्कुल ना, अनुराग यहाँ काहे बुला ले बेटा जी, आपके जाए हो की काहे बाबूजी, ई घर हमार नहीं खे का? बिल्कुल आपके घर है। एको बात बताई, आपके नाना जी यानी हमार ससुर जी अगर हमके अपन घर में रख लेते ता कभी रुतबा बन पावत, और आपके अच्छा लागत कि आपके बाबूजी घर जवाई बनते। ना बाबूजी, अब हम समझ गए नी, ई अम्मा हमरा कंफ्यूज आ देली। आपके कहीं जाए के रहना, जाई ना ता विलंब हो जाई। धत तेरी, विलंब तो हो ही गई, हम निकलता नहीं। ये का उल्टा सीधा पढ़ावत रहे नहीं हमार बेटी के? उल्टा सीधा नहीं, सही बात बतावत रहनी। कल जाके ससुराल में कौनो तकलीफ? तकलीफ फिर आप करें लगनी ना ऐसन वैसन बात। विकराल सिंह नाम बा हमार, और केकर हिमाकत बा जे हमारे बिटिया के तकलीफ दे देवे, जे तकलीफ देवे के बना वो आपे देवे नी। पराग वहां शगुन लेके पहुंच रहा होखी, सब शुभ शुभ मनाई। अरे पराग बाबू, अरे आपे के इंतजार करते रहनी हम, आई ना चली।
अरे हमके एगो बात समझ में आई, आप हमके पहचान कैसे गए नी? अरे पराग बाबू का मजाक करता नहीं आप, इतना बड़ा घर के बेटा बानी आप, आपके कोनो पहचान छुपल बका? चली आई चली। अरे भौजी, अरे ये बड़न पराग बाबू। और पराग बाबू ये हमार भौजी, मतलब अनुराग के माई। इली ही बा लक्ष्मी मैया के मूर्ति चांदी के बा बाबूजी भेजवाले बड़े। खुश रहा। अरे खड़ा का है बड़ा, आवा आवा बैठा। हाँ चली। अरे हम तो बुलाइए गए नहीं, आई आई बैठी बैठी। बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहा। आप भैया तो अभी निकल लेना, कहे कि उनका एगो पंचायत बा, अब इतना मान सम्मान बा उनकर कि कोनो भी पंचायत हो गया तो उनके स्पेशल बुलाए जाला पंच के रूप में, और भैया बड़न के मना भी ना करे लन। और अनुराग तो अब इतना समय के बाद लौटल बा, तो निकल हो कि कहीं दोस्त यार से मिले मिलावे। आप बाकी रहल बात अम्मा के, तो पूजा पाठ में हमेशा लगल रहेली। वैसे ही पराग बाबू, अब ए उम्र में करियन काओ, अभी वही बैठल होखिये नु। बात तो आप सही कह रहल बानी, लेकिन वो कहा है ना कि हमार भी दिल रहे अनुराग बाबू के देखे के। अनुराग या अनुराग जी के बाबू जी होते तो पता ना इस शगुन के का होता। लेकिन खैर कोनो बात नहीं खे। अरे वो डब्बा कहाँ बा? डब्बा ले आवा, जा जल्दी। और बताइए पराग बाबू, और घर पर सब कुशल मंगल बा ना? हाँ। और विक्रांत बाबू कैसन बाड़न? एकदम बढ़िया। वो तो जाना था नहीं, बाबूजी थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व बड़े, तो थोड़ा आवे जाए के पड़ेला। ला बच्चा पार्टी इला। अरे कुछ भुला के नहीं का? हाँ एगो काम याद आ गिल हमके। पराग बाबू इस सब के का जरूरत रहे? चाची कैसन बात कर रहल बनी आप, ये सब हमार प्यार बा। दिव्या। हाँ माँ आ रहल बानी। संभल के काकी, हम कैसा लागत आनी? अच्छा तो तू बहुत लागत बालू, पर एक बात बतावा, ब्याह ता अनुराग के होता ना, तू कहे ता ससवर गल बालू। काकी बात ता भैया के ब्याह के चलता, लेकिन हम ना सबरत के सबरी। तू भी ना, एक ही दिन में दूसरा शगुन, बहुत अपशगुन होला। हे भगवान सब कुछ ठीक करिया। अरे आवा बेटा आवा, रखा। पराग बाबू ये हमार बिटिया बाड़ी दिव्या। अरे पराग बाबू कुछ नहीं ना? जी चाचा जी, अब आप कहा था नहीं, और ये ले आई बानी था, एक गिलास पानी पी लेता नहीं, वरना चाची जी आप तो जाना था नहीं कि हमारा यहाँ जोना घर में लेके देवे लेना, उजा का दाना पानी हराम हो खेला। चैन तो हमार हराम हो जाए अगर वो आ गए लेता। अनुराग बेटा हुआ, ये सब चक्कर में हम भुलाइए गए नहीं कि का? आज हम के ब्लॉक पंचायती भी जाए के बाद एगो जमीन खातिर, अब अभी टाइम बा हम जा सकत हैं, ऐसा करे कि तू ये सब मिठाई उठाई बांट के विशु के बाद में लेके आ जाइए। ठीक बा पापा। चलो बेटा। हाँ अच्छा भैया फिर बाद में भेंट होगी, चलो था। विशु बेटा अनुराग के साथ आ जाइए, ठीक बा? ठीक बा। वैसे आप थोड़ा जल्दी आयल होता तो अनुराग से मुलाकात हो जाता आपके। अरे कोनो बात नहीं के चाची जी, अब तो रिश्ता हो गया बा, तो मिलल मिलावल भी हो जाए।
अनुराग के फोटो बा। अच्छा उहे हम सोचत रहने की इतना स्मार्ट अनुराग बाबू ही हो सकेले। चली कौन बात है क्या अनुराग बाबू ना सही उनका फोटो के फोटो ले लेता नहीं। पराग बाबू जी चाची आगे का बात कब करब? अब देखी चाची जी शगुन के सामान लावे के रहे तो हम आ गए नहीं अब बाकी के बात करे खातिर बाबूजी खुद आई हैं। लेकिन एक बात कही आप लोगन से मिलके ना बहुत अच्छा लागल हमके। भैया ई उबारन पराग बाबू विकराल सिंह जी के बेटा। हे भगवान जिकर डर रहल वह भइल अब ई कोनो बखेड़ा न खड़ा कर दी।